वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 एमएस वर्ड मेल मर्ज को रीड करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मेल्स को इंसर्ट करना और मेल को कैसे लिखा जाता है और उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं वो आपको बताया है। ये चैप्टर आप खुद भी घर पर आराम से रीड कर सकते हो। आपने कोशिश करनी है कि इन्हें आप खुद रीड करें और समझें। शॉर्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बता दूँगी। मेल मर्ज मतलब होता है अपनी मेल्स। मेल्स क्या होती हैं? एक तरह के लेटर्स होते हैं जो हम आपको मतलब हम एक दूसरे को भेजते हैं। वो लेटर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, या कोई जैसे आपकी सिकली होती है, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर मेल में आपके पास तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग ऑफ मेल मर्ज। आपके पास यहाँ पर ये तीन तरह के मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आपको मेल मर्ज स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप उठाने होंगे। ओपन योर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। टाइप योर मैटर। इसके बाद आप वो लिखोगे जिस जो लेटर आप लिखना चाहते हो, सिर्फ आपने वो लेटर लिखना है। स्टेप नंबर 3, चूज मेलिंग टैब, क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज एंड क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आपको क्या करना है, मेल मर्ज पर जाना है। पहले आप मेलिंग टैब पे जाओगे, फिर मेल मर्ज पे जाओगे और आपके पास वहाँ पर एक मर्ज विजार्ड का ऑप्शन होगा। आपको उस पर क्लिक करना है और अपना जो आपने पैराग्राफ लिखा है, अपना जो आपने देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिव सर करके कोई छोटा सा लेटर लिखा है, वो आपने इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देना है। आपके पास एक टास्क पैन भी अपेयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपके पास क्या होंगे, इसमें आप किस तरह से चाहते हो, कोई लेबल डालना चाहते हो। लेबल मतलब क्या होता है, कोई आपने मैसेज पुट करना चाहते हो, छोटा सा कोई नोट लिखना चाहते हो, मैसेज डालना चाहते हो, या आपकी जो ईमेल है वो अलग अलग तरीके से इसमें बनती है। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर जाना है। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने पर। वहाँ पर आपके पास यहाँ बहुत सारे एडिटिंग करने के पॉइंट्स होंगे, इनमें से आपने कोई भी चीज़ को चूज़ करना है। जैसे आप नेक्स्ट लाइन में से अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ पर अपनी बुक में आप ज़रूर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास लेटर्स लिखा है, ईमेल लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, डायरेक्टरी लिखा है। मतलब ये क्या है, लेटर्स के अलग अलग टाइप हैं। इनमें से आपको क्या करना है, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो लेटर चूज़ करना है, डायरेक्टरी लिख रहे हो तो डायरेक्टरी चूज़ करना है, रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट चूज़ करना है। मतलब जो आप यहाँ पर मेल में लिख रहे हो आपने सिर्फ वही चूज़ करना है। उसके बाद है आपके पास स्टेप नंबर 6, न्यू चूज टाइप अ न्यू लाइन एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स विल अपीयर। अब आपने क्या किया, अब मान लो आप एड्रेस डालना चाहते हो, मेल का एड्रेस। मेल का एड्रेस मतलब मेल का अपना नाम, जो आपकी मेल्स होती हैं जो आपको गूगल मीट पर भी दिखाई देती हैं, वो मेल्स आप इसमें डालना चाहोगे तो आपने मेल सिंपल टाइप करनी है जैसे आप टाइप करते हो। उसके बाद आपने सिर्फ ओके पे प्रेस कर देना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। लॉट्स ऑफ फील्ड वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर बहुत सारी फील्ड आ जाएगी, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से आपको अपनी ऑप्शन चूज़ करनी है जिस पर्सन को आप मेल भेजना चाहते हो। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 8 है, अब आपने सेव करनी है अपनी मेल। आपने बना दी है, आप उसे सेव करोगे, उसके बाद आप उसे भेज पाओगे। ये तो आपकी मेल का एड्रेस है कि आपने अपनी मेल पर क्या एड्रेस डाला है। उसके बाद है मेल को सेव करना। अब आपने मेल सेव कैसे करनी है, वहाँ पर आपके पास एक सेव एज का ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, सेव एज का ऑप्शन आपके पास अपेयर होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना वहाँ पर नाम डालना है। सेव एज मतलब जिस तरह से आप मेल डालना चाहते हो, अगर वो लेटर मेल है, आपने किसी अपने सगे संबंधी को भेजा है या किसी ऑफिसर को भेजा है या मैम को भेजा है, तो उसके हिसाब से आप उसका नेम डिसाइड करोगे कि वो आपका कौन सा नेम है, और आपने ओके प्रेस कर देना है और आपकी मेल सेव हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो उस मेल में किसी भी तरह की एडिटिंग करना, तो आप एडिट पे जाके उस मेल में किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग आप कर सकते हैं। अब आपकी मेल पूरी रेडी हो चुकी है, आपने किसी और पर्सन को भेजनी हो तो आपने क्या करना है, उसे फॉरवर्ड कर देना है या सेंड टू कर देना है। अब आपकी पूरी मेल बन चुकी है, आपने ये भी देख लिया है कि मेल आपने किस तरह की बनानी है, किस टॉपिक से रिलेटेड बनानी है। अब आप चाहते हो जो मेल मैंने किसी और को भेजी है वो मेरे पास प्रिंट होकर रहे,
मतलब जो आपने मेल भेजी वो प्रिंट आप रखना चाहते हो कि प्रिंट रहे मेरे पास, हाँ कि मैंने ये मेल भेजी थी। वैसे तो आपके कंप्यूटर में भी वो सेव है, बट फिर भी आप उसे दिखाना चाहते हो किसी सेकंड पर्सन को, कहीं पार्सल करना चाहते हो उस मेल को, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर मेल टैब पे एक फिनिश एंड मर्ज बटन का ऑप्शन आएगा। फिनिश मतलब होता है ख़त्म होना। अब इस फिनिश एंड मर्ज बटन में मर्ज मतलब होता है जोड़ना। अब आप उस फिनिश पे जाकर क्लिक करोगे और प्रिंट डॉक्यूमेंट पे करोगे, वहाँ पर आपके पास एक प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, एक पूरा छोटा सा बॉक्स खुलेगा जैसे आप इस वाले चित्र में देख सकते हो, इस वाले पिक्चर में देख सकते हो। इस पर आपको ओके पे प्रेस करना है और आपका जो मेल है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसमें आपको कुछ मिनिमम 7 या 6 स्टेप्स ही दिए हुए हैं जो आपने घर पर खुद भी रीड करने हैं। आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।